नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस वैम्पी और वॉइस ऑफ इंडिया टीवी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ दिव्यानी शर्मा। चलिए बात करते हैं बॉलीवुड जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों की। बॉलीवुड के सुपरस्टार सनी देओल अपनी मच एवेटेड फिल्म लाहौर 1947 को लेकर खूब चर्चा में बने हुए हैं। फिल्म से जुड़े रोज नए अपडेट सामने आ रहे हैं। वहीं अब मेकर्स ने फिल्म के विलेन के नाम से पर्दा उठा दिया है। फिल्म में विलेन की भूमिका में बॉलीवुड एक्टर अभिमन्यु सिंह नजर आएंगे। इस पर बात करते हुए फिल्म डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने कहा है, आमतौर पर जब भी हम किसी खलनायक के किरदार के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले कुछ नाम अमरीश जी और डेनी जी के आते हैं, लेकिन हमें आगे देखना होगा कि कौन आगे की कमान संभालता है। टीवी सीरियल अनुपमा में धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है। शो में एक और नए किरदार की एंट्री होने जा रही है। इस नए किरदार की एंट्री से शो के स्टोरी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अनुपमा में यशदीप बॉस ही नहीं, उसका अच्छा दोस्त भी है। वहीं यशदीप अनुपमा को पसंद भी करने लगा है, लेकिन अब शो में यशदीप की लवर की एंट्री होने जा रही है। यशदीप अनुपमा को पसंद करने लगा है, वहीं यशदीप अनुपमा को खुश देखने के लिए उसकी मदद करता रहता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीवी सीरियल अनुपमा में यशदीप की लवर की एंट्री होने जा रही है। सीरियल काव्या एक जज्बा एक जुनून फेम एक्ट्रेस परख मदान यशदीप की लवर के रोल में नजर आएगी। गुरुवार को मुंबई में आयोजित किए गए लोकमत अवार्ड्स 2024 बॉलीवुड राजनीतिक और बिजनेस जगत के तमाम दिग्गज पहुंचे थे। इस अवार्ड फंक्शन में रणवीर कपूर भी पहुंचे थे। एनिमल एक्टर को महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। इस कार्यक्रम में दिग्गज स्टार जितेंद्र भी मौजूद थे। वहीं इवेंट के बाद रणवीर कपूर को जितेंद्र को उनकी कार तक हाथ थाम कर ले जाते हुए देखा भी गया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और दोनों स्टार्स का एक दूसरे के लिए प्यार देखकर फैंस गदगद हो रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में रणवीर कपूर को इवेंट खत्म होने के बाद दिग्गज अभिनेत्रा जितेंद्र का हाथ थामकर उन्हें उनकी कार तक ले जाते हुए देखा जा सकता है। वहीं रणवीर के इस जेस्चर को देखकर जितेंद्र भी काफी इमोशनल हो जाते हैं। वे एनिमल एक्टर पर खूब प्यार लुटाते हुए नजर आते हैं। जितेंद्र ने न केवल रणवीर कपूर को गले लगाया बल्कि उन्हें गाल पर किस भी किया। इस दौरान जितेंद्र ने रणवीर कपूर को कहा, आपने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत सुंदर प्यारा, इसे जारी रखो, जय माता दी। इस वीडियो में रणवीर और जितेंद्र की बॉन्डिंग की फैंस तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। देश के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी की घर जल्द ही शहनाइयां बजने वाली है। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी के सर पर सहरा सजने वाला है। अगले महीने अनंत अपनी मंगेतर राधिका मर्चेंट संग शादी के बंधन में बंध जाएंगे। फिलहाल कपल की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। अनंत और राधिका की शादी के फंक्शन कब शुरू होंगे, शादी में कौन कौन परफॉर्मेंस देंगे, इसकी अपडेट भी सामने आ रही है। इस बीच अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में आने वाले मेहमानों को क्या क्या तोहफा दिया जाएगा, इसकी जानकारी भी सामने आ गई है। खबरों के मुताबिक मुकेश अंबानी अपने बेटे की शादी में आने वाले मेहमानों को एक खास तोहफा देने वाले हैं, जिसे बनाने के लिए खास कारीगरों को ऑर्डर दिया गया है।
सैफ अली खान की बहन सबा पाटोदी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। वो आए दिन अपनी फैमिली मेंबर्स की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती है। कई बार सभी की बचपन की फोटोज शेयर करती है, जिसे देखकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आज सुबह भी सबा ने एक बच्चे की क्रिकेट खेलते हुए तस्वीर शेयर की है, जिसे देखकर फैंस को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये कौन है। सबा ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें एक बच्चा रस्ट कलर का कुर्ता और वाइट कलर का पजामा पहने हुए क्रिकेट खेलता नजर आ रहा है। फोटो में वो बच्चा बहुत ही क्यूट लग रहा है। सबा ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, क्रिकेट ये करियर का चॉइस हो सकती थी। आप क्या सोचते हो, कोई अनुमान है कि ये बच्चा कौन है? यह थी बॉलीवुड से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें जो हमने आपको बताई। ऐसी तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी और वॉइस ऑफ इंडिया टीवी के साथ।